अरे होता है, सांप है, सांप यूट्यूब चैनल तुम ना मंगाएंगे भाई। रास्ता देख रहा हूँ किधर से है, क्या सीन हो गया भाई। जी दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करते होंगे सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम चलने वाले हैं अपना जहां से आए थे यानी फौड़विसगंज घर को, ठीक है भाई साहब। अलग ही कहानी हो गया था। तो सुबह के 8:30 बजे यानी 8:30 हुआ है और देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में, क्योंकि बीच में अपन को जो है जलालगढ़ भी जाना है। अरे देख रहे हो मैं रुक गया भाई साहब, मेरे को लगता है मैं ही हैवी ड्राइवर हूँ। ये अपना पूर्णिया जंक्शन है, सीन कुछ ऐसा है। जलालगढ़ का किला किधर पड़ता है? जलालगढ़ का किला पीछे ही छूट गया, वो किला जो बना हुआ है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ काली मंदिर है, हाँ इस साइड काली मंदिर है। अच्छा जलालगढ़ का भी किला है ना, वही देखना था हमको। तो आगे से टर्न लेना हो ना, पीछे है वहाँ पे। अच्छा ठीक, थैंक यू। इसे पूछते हैं, इसको पता होगा, इसे वो पता हो। सुनो इधर किला किधर है? लाल किला। हाँ जलालगढ़ का किला तो और भी से आगे एक बाएं मुड़ना है, बाएं रास्ता है। अच्छा ठीक, ये वाला तो रास्ता नहीं है। आई होप जलालगढ़ का किला भाई साहब मेरे को। अब इधर किधर जाना है, इधर होगा या नहीं पता नहीं। जलालगढ़ का किला किधर है? आगे से है, कोई इधर बता दिया हमको, दिक्कत होगा। आगे से कितना दूर होगा रास्ता? काली मंदिर के पास। अच्छा थोड़ा सा आगे जाने के बाद यही में नहाड़ों का रास्ता है। अच्छा तो भाई साहब देख रहे हो कौन कौन रास्ते से जाना पड़ रहा है भाई साहब, पूरा कच्ची जगह घुसवा दिया भाई, तो घुसवा दिया है। अगर नहीं पहुंचे ना तो भाई का वीडियो बना होगा, खोज के ना सुनाया जाएगा अच्छे से। मैप का कुछ अलग ही पंगा होता है भाई, कभी कभी परेशान कर देता है मैप, गूगल मैप इतना घुमाएगा फिराएगा, पास में हो लेकिन घुमा फिरा के ना इतना ले जाएगा। पिछला वाला जो वीडियो देखोगे उसमें मैं गया हुआ था उधर काजी कोठी, भाई साहब क्या ही बताया जाए, उसको इतना घुमा फिरा के ले गया जबकि पास में था, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जलालगढ़ का किला किधर है? किला कहाँ दिख रहा है? जंगले है लेकिन जंगल जंगल है, सांप नहीं होता है, सांप है, सांप है। रास्ता अच्छा है, गाड़ी चल जाएगा मेरा, अब फंस गया तो ट्रैक्टर ही छोटका, ट्रैक्टर बड़का गाड़ी है ना, छोटका गाड़ी है, चल जाएगा।
और नहीं जाएगा, तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, तुमको पकड़ के ले जाएंगे हम। रोड नहीं बनेगा जी बोला, किला तक रोड बनेगा ना। हाँ, किला में बकरी चराने जाता है, घास पूरा होगा इसीलिए ना जी। देख रहे हो भाई, किले जाने का रास्ता ये है भाई, सरकार थोड़ा ध्यान दे इस बात पर। रिक्वेस्ट है कि ऐसा रास्ता ना हो, रास्ता अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि भाई साहब ये चीज़ पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में तो भाई कोई भी नहीं आना चाहेगा, मैं तो मेरे को पता होता तो मैं भी नहीं आना चाहता। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि कोई ऐसा स्थान घूमने जाऊं और पता चलता है वहां का रास्ता ही सही नहीं है, वहां स्थिति ही सही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आता है। तो किला किला भाई साहब यही है किला क्या? ये देख रहे हो भाई, अब बताओ इसमें कैसे जाएंगे भाई साहब, गाड़ी में स्क्रैच लग जाएगा मेरा मम्मी। आप लोग के लिए भाई देखो क्या से क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज यार सपोर्ट किया करो। तो भाई किला को देख के तो भाई रास्ता कहीं नज़र आ रही नहीं रहा है। 1772 ईस्वी में बनाया गया था पूर्णिया के नवाब जलालुद्दीन के द्वारा, सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन। चारों तरफ तो दीवार से घिरा हुआ, बट अंदर जाएं तो जाएं कैसे? और पंगा ये है कि कोई कांड ना हो जाए यहाँ। भाई यहीं क्या, आप क्या अंदर नहीं जा सकते हैं क्या? रास्ता नहीं अंदर जाने का? किधर से? ये नीचे से ऐसे आगे से? हाँ जाइए नीचे, उधर चलने का, बाइक नहीं जाएगा। बाइक नहीं जाएगा, बाइक जाएगा। अच्छा ये रास्ता, ये जो ये गली जो है बगल में, ओ बाइक नहीं जाए। बैग वेग कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से? रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहीं के हैं क्या? अच्छा आप ही के हैं। भाई साहब इतना अच्छा चीज को भाई बर्बाद करने में लगा हुआ ये लोग। भाई रास्ता देख रहे हो किधर से है? ओ भाई साहब क्या ही चीज है यार। भाई मेरे को तो किला तो धाराशाही नजर आ रहा है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। काफी ये सब चीज पर ध्यान नहीं देगा, बिहार में काफी ये चीज पिछड़ रहा है। और सब राज्य में भाई साहब आप देखोगे तो ये सब चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है, पर यहाँ का क्या ही बोला जाए, अलग ही मौका मचले है। आगे भी बिल्डिंग है क्या? बस यही चारों तरफ जो घुमा हुआ उतने ही ठोई है, बस यही है। वो भी झड़ गया। सरकार ध्यान नहीं देगा, झरवे नहीं करेगा। तो भाई साहब फिलहाल तो कोई भी नहीं आना चाहेगा ऐसा रास्ता देख करके और किला का हालत देख करके, बट मैं सोचा कि चल के देख भी लूँ अभी का क्या हाल है। तो काफ़ी भाई का स्मेल देख रहे हो। तो कुछ खास नहीं है, मतलब था ढंग से रखना चाहिए था, बट क्या ही किया जा सकता है।
अब जब नहीं ध्यान दिया गया तो छोड़ो भाई, बट अभी भी सरकार इसे अच्छे से साफ सुथरा कराए, ध्यान दे तो काफ़ी पर्यटन स्थल में अच्छा हो सकता है, क्योंकि अच्छा जगह है। तुम लोग ईटा निकाल लिया लाल किला में से? जी क्या? किला में से ईटा निकाल लिया है तुम लोग? ईटा नहीं, तोड़ा हुआ है। तोड़ दिया गया है? कौन तोड़ा उसको? अब हम लोग का भी जन्म भी नहीं हुआ था वो, उस समय तोड़ा गया। इधर जा, मैं दूसरा काम से गया हूं। हम समझ गए, इतना तो हमको भी पता। इधर से ये मेन रोड पर चले जाएंगे। चलाते हैं यूट्यूब चैनल हम भी, इधर ही कहीं है। अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट मिलेगा। निकालिए मोबाइल, सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कोई और मिले तो करवाइएगा। यहीं के हम भी, अररिये के हैं। सबका वीडियो आने वाला है, सब देखेगा तुम लोग को। गंजी में तुम है सोचो, सब देखेगा कि एक लड़का गंजी में घूमते रहता है, फटा हुआ कपड़ा। फटा हुआ कपड़ा कहाँ है उसको, दिखाओ तो। तुम्हारा ना, हम उसका बात कर रहे हैं ना। रेडर पीयूष फोर्ड भी गन डालोगे ना, ठीक है, तो हर किसी में आ जाएगा। ये रहा मेरा चैनल। तीन चार दिन के बाद सबका वीडियो आएगा यहाँ वाला में, किला का। हाँ, किला का अभी जो बना है सब बन रहा है। खतरनाक गाड़ी है ना जी। तो भाई सब पता है, रास्ता देख रहे हो भाई, रास्ता भी ढंग का नहीं है। तो भाई काली मंदिर से पहले एक गली है, यानी कि आप अगर अररिया से आते हो तो काली मंदिर से पहले एक गली मिलेगा आपको, वो सीधे जाना है। अगर कोई पूर्णिया से आते हैं तो काली मंदिर के बाद एक गली मिलेगी पेट्रोल पंप के बाद, तो वो गली जाना है। क्या सीन हो गया भाई, आई थिंक एक्सीडेंट हो गया भाई, सब गिर गए होंगे। ये देखो भाई, हाईवे पैसे कट करेगा भाई, मजाक चल रहा है क्या? इंडिकेटर या पहले कुछ देना चाहिए, अचानक रास्ता आया बस तुरंत हाथ दिखा रहा है। इसे में तो भाई हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा, टाटा बाबा हो जाएगा। ओ चचा चचा चचा, जल्दी जाओ चचा, जल्दी जाओ चचा, जल्दी जल्दी। अंकल का रिएक्शन देख रहे हो, लड़का का रिएक्शन, सबका रिएक्शन। अब ये सब रिएक्शन भाई छोटा पूर्णिया हम भर भर के भाई इतना रिएक्शन मिला ना, अब लगता है ये सब रिएक्शन क्या ही चीज़ है। तो अपन पहुंच चुके हैं फॉरबिसगंज। अरे भाई रिएक्शन देगा वो लड़के का, अरे भाई मैं भी यहीं का हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ फॉरबिसगंज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। भाई है अपना, सपोर्ट करिएगा, प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। भाई फॉरबिसगंज का ये हाल ऐसा ही रहता है, पूरा पानी ही पानी, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।